देखिए, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि द हार्ट ऑफ आर्ट ऐसा एक बेहतरीन एग्जीबिशन जो कहीं ना कहीं मुंबई, जो भारत देश का आर्थिक कैपिटल है, वहाँ पर हम जैसे युवाओं को, जो हमारे भारत का कल्चर है और जो विभिन्न आर्टिस्ट अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, तो उनको व्यक्तिगत मिलने का और उनके आर्ट देखने का जो मौका हमें राकेश सिंह जी और पूरी टीम ने दिया है, द हार्ट ऑफ आर्ट की टीम ने दिया है, इसलिए मैं उनका पूरे मुंबई करों की तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आज मैंने 250 से भी ज़्यादा कलाकारों के आर्ट को देखा और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं आज भारत में मोदी जी का नेतृत्व है और पूरे विश्व में मोदी जी एक बड़ा नाम है, और मुझे लगता है कि जो हमारे भारत देश की कला है उसको बढ़ावा देने की आज के तारीख में हम सभी युवाओं की बहुत बड़ी एक ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार के माध्यम से, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये प्रयत्न करूँगा कि ऐसे जो कला के क्षेत्र है, ऐसे जो हमारे कलाकार है, इनके एग्जीबिशन को सब्सिडी दी जाए सरकार की तरफ से और प्रमोशन किया जाए, और मैं व्यक्तिगत तौर पे मुंबई का युवा होने के नाते मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और मेरे जितने युवा साथी सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो आर्टिस्ट और उनके आर्ट है उनको प्रमोट किया जाए। जी सर, आपको हमने बहुत जुझारू रूप से लड़ते हुए देखा है, हर एक समस्या पे, राजनीति के हर एक समस्या पे लड़े हैं, और आज जो है आर्ट ये क्षेत्र में आए, तो किस तरह का सराहनीय कदम है जो नई पीढ़ी को आगे कर रहे हैं? देखिए, ये जो कदम जो हार्ट ऑफ आर्ट ने उठाया है, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि हम जैसे जो युवा है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते, हमारा भी दायित्व बनता है कि आप अगर राजनीति में 80% अपने आप को झोंक रहे हो तो 20% कम से कम सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कामों में अपने आप के योगदान आप सबको देना चाहिए। तो मैं स्वयं आज प्रभावी हुआ हूँ आज आकर यहाँ पर ये आर्ट पूरा एग्जीबिशन देखकर, और आने वाले दिनों में मैं भी राकेश जी उनकी टीम और द हार्ट ऑफ आर्ट की टीम के साथ मिलकर पूरे मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे आर्टिस्टों को आर्ट को प्रमोट करने का काम करने की कोशिश करूंगा, ये उद्देश्य से आज यहाँ से मैं जाऊंगा। तो एक जानकारी थी जो हालात शायद मेरे पास नहीं है, विधानसभा का जो इलेक्शन तो हो रहा है और नामांकन सब भर रहे हैं, क्या आपको भी कहीं से आप लड़ने वाले हैं, थोड़ा सा अगर जानकारी दे सकते? देखो, ये आज कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है नहीं, ये सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है पार्टी का कार्य करना और भारतीय जनता पार्टी के कमल को आगे बढ़ाना, जो पार्टी के आलाकमान का निर्णय रहेगा उस पर मैं कायम रहूंगा और मैं सतत भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, काम करता हूँ। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, आप हर साल ऐसी करती हैं और आगे भी ऐसे करते हैं? पूरे देश में इतने कलाकार हैं कि शायद में आने वाले 100 साल भी हमारा शो इस तरीके से होता चला जाए तो फिर भी कम पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितना ज़्यादा आर्ट, जैसे पहले हमने बेसिक आर्ट से स्टार्ट किया था, इस बार हमारे यहाँ पर ट्राइबल आर्ट फॉर्म का एक सेपरेट सेक्शन है जिसको हमने अपनी तरफ से सेपरेट ही प्रमोट किया है, तो सिर्फ इसमें ट्राइबल आर्ट नहीं, आर्टिस्ट भी ट्राइबल एसी के ट्राइबल लोकेशन से आए हुए हैं, प्योर ट्राइबल लोग हैं, उनको हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया है, फ्री में दिया है, ताकि वो यहाँ आए और अपने इंडिया का जो एक्चुअल कोर आर्ट सेगमेंट है उसे प्रमोट करें। उसी तरीके से हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का भी हमारा एक सेगमेंट है, जहाँ कलकत्ता से 16 आर्टिस्ट के आर्टवर्क, मतलब अराउंड 50-60 आर्टवर्क है जो नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि हर वो जोन जहाँ पे लोगों के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है या मार्केट कह सकते हैं नहीं है, जो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे सिटी में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उन्हें ऐसे जगह पर डिस्प्ले हो सके उसकी कोशिश करें कि उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड, ये हम करते रहे। सर, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आर्ट एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया था, आर्ट ऑफ आर्ट, क्या कहना चाहेंगे आप, आपका नाम पहले बताइए। मैं डॉक्टर वर्षा कमलाकर हूँ, आई हैव अ पैशन फॉर पेंटिंग इन ऑयल एंड वाटर कलर, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव टेकन पार्ट इन दिस हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन।
where I can display my artwork and meet different artists from all over India, where I can grow and get inspired. Thank you so much. मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस आर्ट शो के बारे में जहाँ पे आपने हिस्सा लिया है? आपका सबसे नाम बताइए और आपके पेंटिंग के बारे में बताइए। सर, मैं निधि शर्मा जयपुर से, और मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो मेरा फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के विजिटर्स या क्लाइंट्स जो भी आ रहे थे, तो वो मेरी पेंटिंग्स के बारे में पूछ रहे थे। तो आपको यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन शो करने कितना बढ़िया लगा इस इवेंट में? बहुत टाइप्स के आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, और मैंने उनसे बातचीत करी आर्ट को लेके, और मेरे भी वर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने मोटिवेट किया लोगों को, बिकॉज आर्ट एक पैशन, प्रोफेशन ही नहीं, पैशन होता है आर्ट, और आप अपने इमोशंस को कैनवस पे उतारते हो। मैंने सॉफ्ट एक्सप्रेशंस और हार्ड एक्सप्रेशंस सबको ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पेंट किया है, जिसमें मैंने एक्रेलिक पे कैनवस, एक्रेलिक ऑन कैनवस पे वर्क किया है। और बहुत लकी हूँ मैं जो हार्ट ऑफ आर्ट में को ज्वाइन करने को मिला। थैंक यू सो मच सर। आई एम नंदिनी दास, आई एम फ्रॉम थाने, एंड बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आर्ट इज माई इंटरेस्ट, सो दिस इज माई बिगेस्ट आर्ट वर्क। इट इज 5 feet by 3 feet, done on acrylic on canvas, and these are all my other artworks. So acrylic on canvas, and mostly mere artwork mein flowers ka inspiration hai, flowers hai. Aap sab artwork mein flowers dekhenge. Aur ye mixed media oil on canvas, so basically mere artwork mein flowers se inspiration liya hua hai. Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट में आके आपने हिस्सा लिया, आपके बारे में बताया, आपको पेंटिंग के बारे में? सर, मैं राजेंद्र महाजन, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हूँ ललित कला केंद्र महाविद्यालय चोपड़ा जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार समाविष्ट हुआ हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र महाजन, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हूँ फाइन आर्ट्स कॉलेज से, जलगांव महाराष्ट्र चोपड़ा से। मैं यहाँ पे पहली बार सम्मिलित हुआ हूँ, लेकिन अच्छा माहौल है, बहुत सारे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, डिजाइनर आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब लोग जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या किया है आपने। मैं तो पेंटर हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मेरे बहुत सारे काफ़ी शोज पूरे महाराष्ट्र से, इंडिया से हो चुके हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी से लेके। मैं मेरे ड्राॅइंग्स और पेंटिंग यहाँ पे पीछे है, और कुछ मैं जेरोक्स रीप्रिंट्स यहाँ पे रखा हूँ। चाहता हूँ कि ये ग्रुप तो अच्छा बन गया हमारा, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे जो प्रयास चल रहा है कला कला के बारे में, वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। धन्यवाद। मेरा नाम देशमुख प्रवीण है, मैं परवणी से हूँ, आर्ट टीचर हूँ, मैं आर्ट फोटोग्राफी करता हूँ। तो मेरा जो पेंटिंग जो स्टाइल है फोटोग्राफी का, वो अवेलेबल लाइट में फोटोशूट किया मैं, एक ही मॉडल अवेलेबल लाइट बिना ड्रेपरी यूज करके फोटोग्राफी करता हूँ। और मेरा फर्स्ट जो है मुंबई में, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और आर्ट लोग बहुत यहाँ पे मिलते हैं, और हमारे पूछताछ भी करते हैं, और बहुत सारा हमें आनंद मिलता है। थैंक यू। सबसे पहले आपको नाम बताइए और आपके पेंटिंग के बारे में बताइए। ओके, शुड आई स्टार्ट? आई एम वैदेही नायर। सो माय वर्क ऑफ आर्ट इज kind of a fabric painting and the combination of embroidery. तो मैंने मेरे पेंटिंग में बेसिकली डिफरेंट वराइटीज ऑफ फैब्रिक यूज किए हैं, विच आर लाइक जॉर्जेट फैब्रिक, सिल्क, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव ट्राइड यूजिंग कलर्स। सो बेसिकली इफ यू कैन सी दिस पेंटिंग, दिस इज बेसिकली जॉर्जेट फैब्रिक, विच इज अ वेरी स्ट्रेचेबल फैब्रिक। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव यूज अ मीडियम विच इज सुटेबल फॉर फैब्रिक। उसके हिसाब से पेंटिंग करके, एंड द विजन बिहाइंड दिस पेंटिंग वॉज अ जंगल, एंड हर
फॉरेस्ट के आगे कुछ ना कुछ न्यू रहता है, सो अ डोर. आप वो डोर खोलोगे तो और आगे देखने मिलेगा, और बड़ा विजन रहेगा. सो इट्स अ वास्ट थिंग. सो ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग दोस आइडिया इन दिस थिंग. दिस इज अ ड्रीम ऑफ माय वर्क. माय ड्रीम बेसिकली गोइंग टू अ टेंपल. पाम ट्रीज मुझे बहुत पसंद है, माउंटेन. सो एवरीथिंग आई हैव इनकॉर्पोरेटेड. सेम वे दिस इज लाइक रेनी सीजन के पहले होने वाला जो वेदर होता है इवनिंग में, पिंक स्काई एंड क्लाउड. आई ट्राइड टू डू दैट इन दिस पेंटिंग, बट एवरीथिंग आई हैव डन इज ऑन फैब्रिक. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव ट्राइड यूजिंग द बेसिस एंड द वॉकअप. माई नेम इज समा शेख और ये मैंने सारी कैलीग्राफी की हूँ, विच इज इन अरेबिक और इट्स अ हैंड रिटन कैलीग्राफी. इसमें पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हैं कुरान के. कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेस रहता है तो फिर वो दुआज हैं जो कि हमें पॉजिटिव फील कराता है. और इंग्लिश कैलीग्राफी भी लिखी हूँ मैंने. बस थैंक यू सो मच. एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया था आर्ट ऑफ आर्ट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहले नाम बताइए, आपके ये पूरा जो आर्टिस्टिक वर्क है इसके बारे में बताइए प्लीज. हाय, मेरा नाम जानिया खानपुर है. मैं एक्रेलिक ऑन कैनवस पेंटिंग करती हूँ, एक्रेलिक ऑन फैब्रिक पेंटिंग करती हूँ और रेजिन आर्ट वर्क करती हूँ. यहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स है जिन मेरे को उन्हें कम्प्लीट करने के लिए 2 साल लगे हैं. एंड यहाँ पे DIY भी है, आप अपने खुद के दियाज बना सकते हैं. यहाँ पे एग्जीबिशन बहुत अच्छे हैं. द आर्टिस्ट्स आर फैंटास्टिक, दे हैव यूनिक वर्क एंड आई रियली अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स क्योंकि हम आर्टिस्ट सब साथ में आए हैं, इतने सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इवेंट तो बहुत ही बढ़िया है. पीछे वाला जो आर्टबुक है, ये पीछे जो है इसे 2 साल लगा है बनाने में मुझे. थैंक यू.